नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे मैथ्स के टीचिंग मेथड, उसमें अपने क्लास नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन क्लास नंबर 4 लेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य तथा उनकी कार्यसूचक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे भावात्मक पक्ष से। तो भावात्मक पक्ष के उद्देश्य तथा उससे रिलेटेड कार्यसूचक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भावात्मक पक्ष में पहला आपका उद्देश्य है आग्रहण। तो आग्रहण क्या होता है? आग्रहण का मतलब ग्रहण करना, मतलब ग्रहण करने के लिए अपन जो तत्पर रहते हैं वो चीज़ इसमें आएगी। जैसे जागरूकता, कोई भी नॉलेज वगैरह ग्रहण करने के लिए क्या होनी चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए। तो मतलब यदि कोई बच्चा जागरूक है किसी चीज़ को लेकर, तो मतलब उसमें आग्रहण का क्या है, ये भाव है उसमें। यदि जिज्ञासा है, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो इसका मतलब वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए क्या है, तत्पर है। अब आग्रहण के बाद में सेकंड नंबर पर आती है अनुक्रिया। अनुक्रिया में क्या होता है, कैसे पता लगाओगे? तो इस अनुक्रिया की सूचक क्रिया क्या है? सूचक क्रिया मतलब इस अनुक्रिया के उद्देश्य की पूर्ति होने की सूचना देने वाली क्रिया कौन सी है? तो उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना, स्वीकार करना, सहमति देना, सक्रिय रूप से भाग लेना। तो ये चीज़ें किस में आती है? ये अनुक्रिया में आती है। अर्थात आप में नंबर 1 पर क्या होगी, जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को लेकर के। किसी बच्चे में क्या होगी, जिज्ञासा। यदि वो पर्सन पूछ रहा है, जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, वो किसी चीज़ को लेकर जागरूक है, तो इसका मतलब उसमें आग्रहण का भाव है। अब वो यदि जिज्ञासा होने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, मतलब किसी चीज़ को कोई गलती है तो स्वीकार कर रहा है, किसी चीज़ पर हाँ ना में जवाब दे रहा है, सहमति जता रहा है, सक्रिय रूप से पूरी की पूरी अधिगम प्रक्रिया में शामिल है, प्रतिक्रिया दे रहा है, उत्तर दे रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें अनुक्रिया उद्देश्य है उसकी भी क्या हो गई, अनुक्रिया का उद्देश्य वो भी क्या हो रहा है, उसमें स्पष्ट हो रहा है। अनुक्रिया के बाद में होता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन ये इससे आगे की चीज़ है। तो अनुमूल्यन में क्या होता है कि वरीयता देना। वरीयता मतलब प्रायोरिटी। बच्चा प्रायोरिटी देता है कि भाई ये चीज़ नहीं, इससे पहले ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, अभी ये काम करना है, इसको छोड़ो, इन 3 काम में से इस काम को वरीयता दे दी। ऐसे यदि वो वरीयता के आधार पर किसी काम को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब अनुमूल्यन है। प्राथमिकता देना भी इसी में आता है, वरीयता, प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी में आते हैं। प्रतिबद्ध होना, प्रतिबद्ध मतलब अपने कार्य के प्रति दृढ़ होना, ये भाव यदि उसमें आता है, वो दृढ़ है कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके ही रहूँगा, मैथ्स की ये प्रॉब्लम सोल्व किए बना आज मैं स्टडी टेबल से उठूंगा नहीं, मतलब अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, निष्ठा व्यक्त कर रहा है। निष्ठा मतलब उस चीज़ में उसकी निष्ठा है कि ये कार्य अपने को करना है। तो ये सब किस में आते हैं, अनुमूल्यन में आते हैं। अनुमूल्यन में से ऐसे याद रखना आप, मूल्य, मूल्य का मतलब भाव। तो उसमें उस विषय के प्रति क्या होते हैं, भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो उस वस्तु को वरीयता देता है, उस कंटेंट को वरीयता देता है, उसको प्राथमिकता देता है, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहता है, वचनबद्ध रहता है, निष्ठा व्यक्त करता है उस चीज़ को लेकर। तो ये सब आता है अनुमूल्यन के अंतर्गत। अब इससे आगे का है संप्रतिकरण। संप्रतिकरण होता है कि मतलब कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। जब बच्चा क्या करता है, देखो शुरू से देखो, जिज्ञासा है उसके अंदर, और वो उसके अंदर मतलब जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, वापस उत्तर भी दे रहा है, स्वीकार कर रहा है, सहमति जता रहा है, और उसके बाद में वो सब्जेक्ट को प्राथमिकता भी देने लगे, अपने कार्यों के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति निष्ठाबद्ध है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके आगे जब कुछ मूल्य एकत्रित होने लगते हैं, मतलब ये इतना सब कुछ एकत्रित होने लगते हैं, तो बालक कुछ विचारों, भागों का निर्णय करने लगता है। मतलब अब वो क्या करेगा, उस जो सब्जेक्ट होगा, कंटेंट होगा, उसको लेकर विचार विमर्श करेगा, भावनाओं का संप्रेषण करेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर उस चीज़ को लेकर क्या हो गया, कंसेप्ट डेवलप हो गए। तो ये संप्रतिकरण होता है। तो संप्रति जब किसी चीज़ पर, जैसे लेसे पे मैसे पे है, कुछ भी है, तो अब आप क्या करोगे, मतलब कि उस चीज़ को लेकर आप विचार विमर्श कर रहे हो, उस पर अपना भाव व्यक्त कर रहे हो, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, तो इसका मतलब उस कंसेप्ट डेवलप हो गया, उसके ऊपर आपकी कमांड बन गई है, समझ गए। आगे आता है संगठन। संगठन में क्या होता है कि व्यवहार में संशोधन और परिमार्जन आना। व्यवहार में क्या आता है, संशोधन होता है, व्यवहार में परिमार्जन आता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, जैसे कि ये आपको देखो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ी जैसे फिलोसॉफी टाइप का है। तो देखो संशोधन, व्यवहार में संशोधन मतलब वो अपने क्या करता है, व्यवहार में सुधार करता है। इतनी चीज़ें होती है तो उसके व्यवहार में क्या होने लगता है, निखार आने लगता है, व्यवहार में संशोधन होने लगता है, परिमार्जन होने लगता है। क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करना, अब वो क्या करता है, अपने कंसेप्ट वगैरह, वो सारे एक सारा स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, ऐसे उसके दिमाग में क्या होता है, सेट होता जाता है, आगे से आगे। भावनाओं के सामान्यीकरण की ओर प्रवृत्त होना, तो वो क्या होता है, जिसको उसकी जो भावनाएं होती है उनमें एक जो कॉमन पैटर्न है वो पकड़ में आने लगता है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो ये होता है आपका संगठन। उसके बाद में होता है चरित्रीकरण।
चारित्रीकरण में क्या होता है, मूल्य संगठित होकर व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाते हैं तथा व्यक्ति का स्वभाव तदनुसार एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात मतलब किसी बालक के जो मूल्य होंगे वो सारे के सारे मूल्य क्या होते हैं, आपस में संगठित होते हैं, संगठित होकर मूल्य संगठित होकर ही किसी व्यक्ति का क्या बनता है, चरित्र बनता है। समझ आए एक बात। और वो क्या होता है, वो जो मूल्य संगठित होते हैं होकर उसके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाते हैं, मतलब परमानेंटली उसके व्यवहार में आने लग जाते हैं और तथा व्यक्ति का स्वभाव तदनुसार एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात अब वो एक वो स्पेशली एक निश्चित व्यवहार से क्या करने लगता है, ऐसे भी ये प्रकट करने लगता है, शो ऑफ करने लगता है, तो इसी से उसका क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है, इसे चारित्रीकरण बोलते हैं। इसके बाद में क्रियात्मक पक्ष तथा संबंधित उद्देश्यों की सूचक क्रियाएं। तो क्रियात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है आपका उद्दीपन या अनुकरण। तो अनुकरण क्या होता है, किसी को भी अपन फॉलो करते हैं तो वो अनुकरण में आता है, मतलब दूसरे व्यक्तियों को देख कर उनका अनुसरण करना, नकल करना, ये किस में आते हैं, ये अनुकरण में आते हैं। ठीक है, कार्य करना। अब जैसे आपने अनुकरण कर लिया, किसी को देख लिया बाइक चलाते हुए, अब आप क्या करते हो, दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हो, अब मतलब आप उस बाइक को चला रहे हो, तो ये किस में आ गया, कार्य करना। उसके बाद में परिशुद्धता नियंत्रण, मतलब क्या होता है कि अब आप उसकी उसमें जैसे जैसे आप ये कार्य करते हो, बाइक चलाने का प्रयास करते हो और उसका मतलब पुनरावृत्ति करते हो, तो धीरे धीरे आपके क्या होता है, बाइक चलाने के कौशल में जो त्रुटियां हैं वो तो होती जाएगी कम, तथा आप परिशुद्धता की ओर बढ़ते जाओगे, मतलब आपका जो नियंत्रण है वो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा, आपके जो बाइक चलाने का जो टैलेंट है उसमें क्या आएगा, निखार आएगा। समझे आप, तो इस प्रकार से है। आगे है समन्वय जोड़बंदी। जोड़बंदी में क्या होता है, एक साथ कई क्रियाओं को समन्वय के साथ करने लगता है, एक साथ कई क्रियाओं को समन्वय के साथ करने लगता है। अर्थात मतलब पहले आप बाइक चला रहे थे तो पहले आपको गियर का अलग से ध्यान में रखना पड़ता था, जो रेस थी उसका अलग से ध्यान में रखना पड़ता था, स्पीड का, ब्रेक का, सब का, ठीक है, गियर वगैरह सब। अब क्या होगी, ये सभी क्रियाएं है ना वो तालमेल के साथ एक साथ क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी आपके। ठीक है, तो मतलब सभी क्रियाओं को एक साथ समन्वय के साथ करने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, स्वभावीकरण, मतलब कौशल अब स्वाभाविक सहज रूप से अर्जित होने लगता है। पहले वो क्या करता था, पहले जब वो बाइक चलाना सीखता था बालक, तो वो क्या करता था कि सभी चीज़ का अलग अलग ध्यान रखना पड़ता था उसको। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो सभी जो चीज़ें हैं वो सहज रूप से उसके स्वभाव में आ जाती। अब मतलब अब उसने कब गियर डाल दिया, कब रेस लगा दी, उसको मतलब इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो मतलब ऑटोमेटिक होते जाते हैं, वो उसके स्वभाव में आ जाते हैं। और ये स्वभाव ही धीरे धीरे उसके क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। अब उस बाइक चलाना उसकी आदत में आ गया, वो किसी से बात करता हुआ, मोबाइल पे बात करता हुआ भी चलता रहेगा, ऐसे चलाता रहेगा। तो ये क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर होता है, मतलब यदि कोई चीज़ है वो करते करते आपकी आदत में आ चुकी है, तो इसका मतलब आपने क्रियात्मक उद्देश्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। और देखो, क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर आपने ग्रहण कर लिया। कौशल अर्जन इसमें क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कम्प्लीटली आपको क्या हो जाता है, ये कौशल है वो आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, तथा वे एक आदत के रूप में होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कौशल है वो आपकी क्या बन जाता है, आदत बन जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ थी। अब देखिए आगे, आगे है गणित शिक्षण की विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ होती क्या है, सबसे पहले नाम से स्पष्ट है वैसे तो, लेकिन फिर भी शिक्षण विधियाँ क्या होती है, तो शिक्षण की ऐसी युक्तियाँ या तरीके जो एक निश्चित सिद्धांत या अनुक्रम का पालन करते हुए विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक प्रेषित करती है, उसे हम शिक्षण विधियाँ कहते हैं। और विषय की प्रकृति की इसमें प्रमुख भूमिका होती है, अर्थात आपका जो पढ़ाने का तरीका है जिसमें आप एक निश्चित सिद्धांत, निश्चित संरचना के अनुसार बच्चों तक विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुत करने का जो मेथड है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। और ये शिक्षण विधियाँ जो विषय की प्रकृति के अनुसार चेंज होती रहती है, भाई आपको किस प्रकृति का सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आप विधि का क्या करेंगे, चयन करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और टॉपिक टू टॉपिक भी मैटर करती है कि रेखा गणित में कैसी विधि काम लेनी है, अंक गणित में कैसी लेनी है, समझ गए। ऐसे शिक्षण विधियां स्वयं में स्वतंत्र होती है, अर्थात ये नहीं है कि ये यूज कर ली तो अब ये मत करो और ये मत करो ऐसे, या फिर इसको यूज करके इसको यूज करो ऐसे नहीं। शिक्षण विधियां आपस में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, और जहां जैसा सब्जेक्ट होगा उस अनुसार से शिक्षण विधि का अपन प्रयोग कर लेंगे। शिक्षण विधि के निश्चित सोपान होते हैं, अर्थात ये एक निश्चित सिक्वेंस के अंतर्गत, जैसे आगमन विधि है तो आगमन विधि को एक निश्चित सिक्वेंस होगा उसको प्रयोग करने का, समझ गए। और शिक्षण विधि पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है, अर्थात पहले से डिसाइड किया हुआ होता है कि शिक्षण विधि, ऐसे नहीं कि शिक्षण विधि को क्लास में आने के बाद में सोचे क्या करें क्या नहीं करें, ये पहले से डिसाइड होता है, मतलब कंटेंट पढ़ाने से पहले ही डिसाइड किया जाता है कि इसको किस मेथड के थ्रू पढ़ाना है, तो ये पूर्व नियोजित प्रक्रिया है, टीचिंग मेथड है वो प्री प्लान्ड रहते हैं, समझ गए। आगे देखो, अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएँ क्या है।
तो अच्छी शिक्षण विधि है वो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम होती है। अर्थात आप पढ़ा रहे हो तो आपके पढ़ाने का क्या टारगेट है, तो टारगेट को अचीव करने में क्या होती है, सक्षम होती है। विषय की प्रकृति के अनुकूल हो तथा उस विषय में बालकों की जिज्ञासा एवं रुचि का क्या करती है, विकास करती है। अर्थात मतलब टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि एक तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो और दूसरी बात वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर दे, ऐसी शिक्षण विधि होनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकाधिक सक्रिय अर्थात क्रियाशील रखती हो। अर्थात कोई विधि ऐसी लेनी चाहिए आपको काम में जिससे क्या हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में सक्रिय रहे। जब बच्चे एक्टिव होकर लर्निंग करेंगे तो वो लर्निंग क्या होगी आपके, स्थायी होगी ज़्यादा। समझ में आई बात? यस। और शिक्षण विधि है वो व्यवहार के तीनों पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उन तीनों का विकास करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है पहली बात शिक्षण विधि। और अर्थात जो व्यक्तिक भिन्नता मतलब कोई मंदबुद्धि बालक है, कई प्रतिभाशाली बालक है, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट अपने आप में भिन्न भिन्न है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता है, उनका भी वो ध्यान रखती हो। बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, उनके अभिरुचियों मतलब रुचियों, अभिवृत्तियों मतलब दृष्टिकोण आदि, इन सबको दृष्टिगत रखती हो। ठीक है, मतलब इनको भी ध्यान में रखा जाता हो उस शिक्षण विधि के अंतर्गत। और बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती हो और अनुशासनात्मक मूल्यों का भी विकास करती हो और मित व्ययी हो, अल्प व्ययी हो, अर्थात शिक्षण विधि है वो ज़्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ताकि उसको इजी वे मतलब व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक मतलब हम उसको आराम से व्यवहार में ले सकें। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला विधि है, तो प्रयोगशाला विधि है वो एक खर्चीली विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें खर्च कम से कम हो, मतलब व्यय कम से कम आए। समझ में आई बात? तो ये अच्छी शिक्षण विधियों की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है व्यवहारिक हो। व्यवहारिक हो का मतलब उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो। जितने संसाधन अपने पास में उपलब्ध हैं उन संसाधनों के अनुसार मतलब वो अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कुशलतापूर्वक चलता रहे। तो व्यवहारिक का मतलब होता है जिसको व्यवहार में लेना आसान हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसमें खर्चा कम आता हो, जिसमें बालक और टीचर दोनों सहज महसूस करते हो, वो व्यवहारिक होती है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से है। तो अब इसके आगे अपने सीधे विधियाँ स्टार्ट होगी। तो पहली पहली पढ़ेंगे अपन आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि के बारे में नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा क्लास नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे। आज ये अपनी क्लास नंबर 4 थी। क्लास नंबर 4 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि वैसे भी आप कंटेंट फ्री में पढ़ रहे हो। तो आप कोशिश रखा करो कि ये भाई पहले से निःशुल्क है, तो आप भी थोड़ी सी हेल्प किया करो हमारी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बनाने में सक्षम हो सकें। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।